अब जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे बॉट तो ऐसे ही कुछ दिखेगी, यहाँ पर कुछ ऐसा वेलकम टू जो भी आप डालना चाहते हैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट कर लेना है। जब आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा कुछ स्क्रीन देखने वाला, आप जितना चैनल ऐड करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन अभी तक मेरे पास एक ही चैनल वाला सेटिंग आया है, तो एक चैनल वाला ही फाइव फोर्सली काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चेक का बटन आ रहा है, सिंपली आपको चेक करना है। यहाँ पर पहले ऑप्शन आ जाता है कि मस्ट ज्वाइन ऑल चैनल, तो आपको पहले सारे चैनल ज्वाइन करने होंगे, उसके बाद ही आप इस बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस चैनल पर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगेन इसे चेक करूँगा, चेक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारे बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे बटन तभी आएंगे जब आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपने कितने लोगों को रेफ़र किया है, उस अनुसार बैलेंस यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। आप बोनस भी ले सकते हैं, और अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेफ़र का बटन है, सिंपली इसे क्लिक करना है, यहाँ पर एक रेफ़र लिंक जनरेट हो जाता है। आपको ये वाला जो लिंक है इसी को फॉरवर्ड करना है अपने जिसने जिसे भी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। उसके बाद जब आपको लगता है कि इसका विड्रॉल लिमिट पूरा हो गया है तो सिंपली आपको इस बटन पर क्लिक करना है विड्रॉल पर। यहाँ पर आपको टोटल बता देगा कितने आपके पास पैसे हुए। अगर आपका लिमिट रीच हो गया है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड करने का, अगर रीच नहीं हुआ है तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैसेज आएगा कि यू हैव टू अर्न एटलीस्ट जो भी आपने सेट कर रखा है। सो आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो टेलीग्राम के रेफर एंड अर्न बॉट यूज करके पैसे कमाते हैं। वेल, ये रेफर एंड अर्न बॉट का कंसेप्ट क्या है, लोग इसे क्यों बनाते हैं और क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो इसमें दो तरह के यूजर इन्वॉल्व होते हैं, एक तो एडमिन जिसने बॉट को बनाया, दूसरा यूजर जो उस बॉट को यूज कर रहा है। तो सबसे पहले एडमिन को क्या फ़ायदा होता है इस बॉट को, जब भी कोई एडमिन बॉट बनाता है तो कुछ कंडीशन सेट करके रखता है कि जब भी आपको इस बॉट को यूज करना है तो उसके लिए आपको कुछ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, या यूट्यूब चैनल हो सकता है या कोई वेबसाइट भी हो सकती है। तो इस तरह के कंडीशन सेट की हुई थी, तो इस तरह से उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एडमिन को। बट एज ए यूजर आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप वो बॉट यूज कर रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है इसमें। जब भी एज ए यूजर कोई बॉट यूज करता है तो कुछ रेफरल पॉइंट मिलता है, जैसे आपने किसी को रेफ़र किया तो उससे आपको पॉइंट जनरेट होता है। इसी तरह आप जितने लोगों को रेफ़र करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट जनरेट होंगे, उससे पैसे बनते हैं और आप एक टाइम के बाद उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। सो इस तरह का मॉडल है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, एडमिन को भी फ़ायदा हो रहा है, एक यूजर को भी फ़ायदा हो रहा है। वेल, ये बॉट जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान उसे क्रिएट करना नहीं है, इसमें काफ़ी हेवी कोडिंग इन्वॉल्व है। अभी तक मैंने जितनी भी तरह के बॉट्स बताई है सब में कोई भी ऐसी बॉट नहीं है जिसमें कोडिंग इन्वॉल्व है या प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। अभी तक मैंने एक सिंपल सा बॉट्स बनाना आपको सिखाया था, बट ये वाला जो बॉट है इसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। अब एक बात आप समझ लो, कोई भी बॉट जब रन करती है ना तो कोई ना कोई एक सर्वर पर रन करती है, उसके लिए आपको सर्वर स्पेस खरीदना होता है, वहाँ पर जाके आपको कोड्स रन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सर्वर की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको कोई सर्वर स्पेस नहीं लेना है तो आपके कोई खर्चा नहीं है उसमें, आपको बस कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और कोड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वो कोड्स डालना है, कहाँ पर वो कोड्स पुट करना है और वो कोड्स आपको कहाँ से मिलेगा। सो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको वो सारे कोड्स को लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो इस रेफर एंड अर्न बॉट को बनाने के लिए बहुत लोग अच्छे खासे पैसे भी चार्ज करते हैं, बट ये वाला जो प्रोसेस मैं आपको कम्प्लीटली फ्री में बताऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो पूरे अंत तक देखनी पड़ेगी। वीडियो के अंत में ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वो सारे कोड्स लेने हैं। मैं जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ सारे पीसी पे बताऊंगा, बट ये सारी प्रोसेस आप अपने मोबाइल डिवाइस में भी कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस आपको अपने मोबाइल में भी करना होगा, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आ गया हूँ अपने पीसी पर। सबसे पहले आपको जाना है अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, वहाँ पर जाना है बॉट फादर। इस बॉट फादर के थ्रू हम एक बॉट क्रिएट करेंगे। सो सिंपली स्टार्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको न्यू बॉट का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर न्यू बॉट पर जाना है। यहाँ पर आपको एक बॉट का नेम सेलेक्ट करना हो, कोई भी रैंडम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं अभी, तो मैं डेमो बॉट रखता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद आपको इसका यूजर नेम रखना है, यूजर नेम यूनिक होना चाहिए और उसके एंड में बॉट होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होता है। डेमो 1234 ऐसे ही कुछ नाम दे देता हूँ ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। लास्ट में इसमें बॉट एंड में लगाना होगा, ठीक है। ये वाला यूजर नेम ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो डेमो 1234BOT, ठीक है। होपफुली ये वाला नहीं लिया होगा, हाँ ठीक है, ये वाला एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेस टोकन आ गया है। अब इस एक्सेस टोकन को आपको कॉपी करके रख लेना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको ब्राउजर में करना होगा, अगर आप मोबाइल में इसे यूज कर रहे हैं तो आप इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना, सारे प्रोसेस सेम टू सेम होगा। आपको जाना है bots.business, ये वेबसाइट है जहाँ से हमारी सारी होस्टिंग होगी।
तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप पहली बार इसे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक एप्लीकेशन भी आती है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर उसे नहीं यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ऊपर देख सकते हैं वेब ऐप है, वेब ऐप में क्लिक करके सिंपली वेब में ही यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपके पास ऑप्शन आएगा इसे साइन इन करने का, तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी है उससे आप साइन इन कर लो, पासवर्ड वगैरह बना लो, कोई कंफर्मेशन नहीं लगता है तो आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। सो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा एक बॉट ऐड है, जिस बॉट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो के शुरू में बताया था, ये वही वाला बॉट है। तो यहाँ पर आपको एक न्यू बॉट क्रिएट कर लेना होगा क्योंकि आपके पास कोई बॉट नहीं होगा। तो सिंपली न्यू बॉट पर जाते हैं, यहाँ पर कोई भी बॉट का नाम दे देना, तो मैं डेमो डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेस टोकन डालना है, जो हमने पहले कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये एक्सेस टोकन पेस्ट हो गया, अब यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ये आपका बॉट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम सारे काम ई वाले बॉट पर करेंगे, तो इस बॉट को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ लाइब्रेरी रिसोर्सेज डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में आपको एक हैमबर्गर मेन्यू दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लाइब्रेरी आपको दिखेगा। अब यहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाती है, आपको सिंपली कोई भी रिसोर्स पर क्लिक करना है और वहाँ पर उसके नीचे एक इंस्टॉल का बटन आता है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। और ये सारे प्रोसेस आपको सारे में करना है, मतलब सारे को ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने जो अपनी पुरानी वाली बॉट है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे रिसोर्सेज इंस्टॉल्ड है। तो आपको भी जितने भी आप बॉट बनाओगे उसमें सारे ये रिसोर्सेज लाइब्रेरी वाले सारे आपको डाल के रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बॉट पर आते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हमारा जो है ना कमांड वाला स्टेप शुरू हो गया है। तो सबसे पहले जब हम न्यू कमांड डालते हैं तो पहला कमांड होगा स्टार्ट वाला। तो यहाँ पर सारे कमांड मैंने एक वर्ड फाइल में डाल के रखे हैं ताकि मुझे बताने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश स्टार्ट वाला कमांड मैंने पहले डाल देता हूँ। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, सारे फील्ड जो है ना खाली, उसको खाली रहने देना है। यहाँ पर केवल एडिट BGS में जाना है, यहाँ पर आपको ये वाला कोड है ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इस कोड में थोड़ा चेंजेस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल का यूजर नेम लगा हुआ है, तो आप इसे चेंज करके अपने चैनल का यूजर नेम बना लेना। जहाँ पर भी मेरे चैनल का यूजर नेम है वहाँ पर चेंज करके आप अपने चैनल का यूजर नेम डाल देना, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेव करके न्यू कमांड पर चलते हैं। अब न्यू कमांड पर आते हैं, यहाँ पर फिर न्यू कमांड है बोनस वाला, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। पूरा का पूरा सेम टू सेम होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसके सारे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको भी सेव कर लिया और उसी तरह सारे कमांड को हम एक एक करके सेव करते जाएंगे। अब ये चेक वाला जो कमांड है यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस अगेन करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगेन यहाँ पर मेरे चैनल का यूजर नेम डाला हुआ है, तो आप इसे चेंज करके अपने चैनल का यूजर नेम क्रिएट कर लेना। और ये जो रेफरल वाला बॉट है यहाँ पर आपको अगेन एक चेंजेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉट का यूजर नेम डाला हुआ है, जो भी आपने अपना बॉट का यूजर नेम रखा है उसे यहाँ पर कॉपी करके आपको जस्ट रिप्लेस कर देना है। अब ये मेरा फाइनल कोड रहा, इसके बाद जितने भी कोड्स डालने थे वो ख़त्म हो गया। अब मेरा बॉट इस कोड को डालने के बाद ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। अब मैंने इतने सारे यहाँ पर कमांड्स डाल दिए हैं, जो कि पूरे कमांड जितने ज़रूरी थे सारे मैंने डाल दिए। अब ये बॉट रन करना चाहिए। अब ये बॉट मेरे चैनल के लिए क्रिएट हुआ है, तो मैं एक बार इस बॉट को अपने चैनल का एडमिन बनाऊंगा तभी कम्युनिकेट कर पाएगा। जैसे ये वाला बॉट है, ये डेमो बॉट मैंने बनाया था ना, ठीक है, ये वाला बॉट मैंने क्रिएट किया था। अब इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मैंने अभी तक ये बॉट को अभी तक रन नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी लॉन्च में नहीं है, तो सिंपली आप इसे लॉन्च कर लेना, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा ये बॉट भी काम करना शुरू कर देगा। तो एक बार और हम इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं।
नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉट काम करना स्टार्ट कर दिया और इसमें जो मैंने चैनल ऐड कर रखा है ये वाला चैनल। अब एक फाइनल स्टेप बच जाता है कि इस बॉट को अगर इस चैनल को कम्युनिकेट करना है, चेक करना है कि बंदा जो भी यूजर है इसमें ज्वाइन करा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको इस बॉट को उस चैनल का एडमिन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं इस चैनल पर। ऑलरेडी मैं इस चैनल का एडमिन हूँ, तो यहाँ पर मैंने चैनल में जाता हूँ, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऐड एडमिनिस्ट्रेटर में आपको वो बॉट यहाँ पर यूजर नेम डाल देना है। ये बॉट यहाँ पर मुझे मिल गया, इसे हम एडमिन बना देते हैं और सारे परमिशन दे देना, बस लास्ट वाला परमिशन छोड़ के। तो यहाँ पर बॉट इसका एडमिन हो गया है। तो अब हम चलते हैं इस बॉट पर, अगेन हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ अगेन कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये चेक वाला बटन दबाएंगे। तो एज ए यूजर अगर वो बंदा इस चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो उसे कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि उसे चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो बंदा क्या करेगा, इस चैनल पर जाएगा, इसे ज्वाइन करेगा, अगेन बैक आएगा, फिर चेक करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो चेक करने के बाद यहाँ पर उसको कंफर्मेशन मिल गया है कि ये बॉट स्टार्ट हो गया, और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे बटन क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप बैलेंस चेक कर लो, तो ये बोनस यहाँ पर मिल गया है। और अगर वो बंदा किसी को रेफ़र करना चाहता है तो यहाँ पर रेफरल वाला बटन है, इसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये रेफरल लिंक क्रिएट हो जाता है। अब ये लिंक जिस बंदे को देगा और वो बंदा इसमें ज्वाइन होता है तो उसे कुछ कमीशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पर रेफर 0.5। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आप कोड्स में जाके चेंज कर सकते हैं अपने मनचाहे अनुसार, तो ये सारी चीज़ें वेरी कर सकता है। मैंने अपना सेट किया तो आप जाके कोड में चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसी तरह सारे बटन यहाँ पर काम करेंगे। सपोर्ट का बटन है, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस बॉट से, और ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे ऑलमोस्ट काम करेगा और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सारे कोड्स आपने सही से डाले हैं तो सारी चीज़ यहाँ पर 100% वर्क करेंगे। फाइनली वो टाइम आ गया जहाँ पर मैं कोड रिवील करूँगा। तो आपको ये सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। मेरा जो डील्स वाला चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो आपको सबसे पहले ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको पिंड मैसेज में एक एडवर्टाइजमेंट जैसा मिलेगा, उसे आपको अपने 10 दोस्तों या रिलेटिव्स किसी को भी फॉरवर्ड कर देना है और कोशिश करना है कि वो भी उस चैनल को ज्वाइन कर ले। उसके बाद आपको वो जो 10 फॉरवर्ड है उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेल करना है। मेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर मेल कर देना है। उसके बाद मैं कन्फर्म करूँगा तो मैं आपको मेल के थ्रू ही वो सोर्स कोड भेज दूँगा। ये वाला जो प्रोसेस है मैं केवल एक मंथ तक रखने वाला हूँ, उसके बाद सारे सोर्स कोड मैं रिवील कर दूंगा। मेरे अपनी वेबसाइट पर ही डाल दूंगा, वहाँ पर कोई आर्टिकल बनाकर डाल दूंगा और आर्टिकल का लिंक आपको दे दूंगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक ले बाय।